हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हमारे घर में आधी सफाई कल हो चुकी थी, लेकिन अभी ये देखिए सुलोग लग रखे हैं। आंसू सफाई का मतलब खिड़की ज़्यादा तोड़ेगा मुझे लग रहा है। ये देखिए यार, ये लोग नहीं तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो मैंने ही इनको थोड़ा बहुत काम पे लगाया कि तुम लोग भी काम करो। आंसू की दिवाली की सफाई ढंग से कर। ये दोनों नहीं तो कुछ नहीं कर रहे थे, इन दोनों को मैंने ही काम पे लगा रखा है कि ये नहीं तो पूछ रहे होंगे हम क्या करें हम क्या करें। मैंने कहा चलो ये करो। अरे यार, ये खिड़की तोड़ेगा भैया। ये कौन सा तरीका है भाई? खिड़की तोड़ रही है। ये खिड़की से पैसा न बोलिए। अभी हम करेंगे और सफाई और सजाएंगे अपने पूरे घर। तो आज है एक स्पेशल डे भी, वो आपको देखने को मिलेगा आगे। इसकी सफाई चल रही है। ये सफाई करने का कौन सा तरीका है? कुछ भी नहीं है, पीहक तक बैठी पर कूड़ा अच्छा आ रहा है उससे। तो गाइस, दादी बना रही है पकोड़े। दादी किस चीज से पकोड़े हैं ये? गोभी रालू। किसके? गोभी रालू। मतलब कैसे बनाते हैं इनको? इनको पहले गोभी काटा, तब आलू काटे, उसके बाद धुलाए, नमक मिर्च मिलाए, अजवाइन मिर्च मसाले, अंशु लगा रहा है मालाएं अच्छे से, ज़्यादा भारी भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज कर रही हूँ मैं अपने घर में राधा कृष्ण भगवान जी की मूर्ति की स्थापना। तो मैंने कर ली उसकी सारी तैयारियाँ, अभी मैं अपने घर पे नहीं लेके आई हूँ, अपने घर पे लेके मैं अब आऊँगी। तो मैं अभी उनकी तैयारी कर रही। तो ये देखिए, ये मैंने आरती के लिए कर दिया तैयार। तो दोस्तों, अब हम हो चुके हैं रेडी, तो हम जा रहे हैं अब मैं और भी। तो आज हम अपने घर में कर रहे हैं राधा कृष्ण भगवान जी की मूर्ति की स्थापना। अभी हम राधा कृष्ण भगवान जी बनाएंगे। घी का घी भी लाए ना? ये घी ले, ये जो घी ले आ गई ना, ले लो ना, लो उच्च मजे में ले उन्हें काली वो उधर पापा पी लो। पापा क्या भैया? मैं काम कर रहा हूँ, मैं ले आती तेरे दे बेटे जी। तो मैं दही से अब नहीं पियूँ, ये तो ना तूने पियूँ, ये तो ना। अरे वो गोले लेंगे। ये किसका घी है? ये गाय का। पानी
वो पीला कलर निकाल के ये यहां पर आ दो ना ये आ दो दो गन्ना अच्छे ढकने के लिए रख दो। तो हम पहनाने बैठ गए। हमने कर दिया स्नान भगवान जी का, तो हम ड्रेस पहनते हैं। राधा रानी का ये वाला होगा लहंगा, लहंगा ये भगवान जी का, ये यहाँ पे करके खा रखा था बड़े धूप जलानी। उपज बेकार बैठ के नहीं कर ऊपर बेकार ये लग गया भगवान जी का भोग भी और आसन पे। तो फ्रेंड्स अभी हो चुकी है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की स्थापना हमारे घर में। फ्रेंड्स मैं बहुत पहले से सोच रही थी, मतलब लगभग छः सात साल पहले से कि मैं अपने घर में राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करूँगी, बट हो नहीं पाया कभी कुछ। बट फाइनली अभी 2-3 महीने पहले से मैं सोच ही रही थी कि मैं धनतेरस के दिन अपने घर में राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करूं। बट धनतेरस के दिन तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां नहीं थी, तो इसलिए उस दिन हो नहीं पाया। और मैंने आज छोटी दीपावली पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति की स्थापना की अपने घर पर। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ दिन पहले बता रही थी ना कि वो क्या था कि जो मैं मार्केट से लाई थी, मैं वही था, वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति लाई थी मैं। तो दोस्तों बन चुकी हमारी ये एक माला, अभी और भी बनाएंगे। तो इसकी ये हमने बना रखी बाहर दरवाजे के लिए, तो मैं इसको लगाऊंगी बाहर दरवाजे पे। अच्छा ये लग जाएगी इधर, एक इधर और एक इधर, ये लगाने की तेज आ रही। चल लगाएगा तो तू टेबल ला। आदि के साथ मजाक कर रही है, देखो ये है इसकी हरकत है। दादी को चिढ़ा रहा। मत करना, तो दादी को क्यों परेशान कर रहा। ये दादी के साथ मजाक कर रहा। अभी मैं तो नहीं पहुंच रही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लगाएगा अंशु। ले ले ले, ढंग से। तो दोस्तों मैं और अंशु गए थे लड़ियाँ लेने, क्योंकि हमारे घर पर कुछ लड़ियाँ कम पड़ गई थी, तो हम लोग गए थे अभी फिर से लड़ियाँ लेने। तो हम अभी लड़ियाँ लेके ही तो फ्रेंड्स, ये अंशु ने जानबूझ के स्कूटी ऐसे चला रहा है कि मुझे ना ऊपर, जिससे कि मेरे पांव यहाँ झाड़ी और दीवार में लग जाए। ये ऐसा है, मतलब कुछ भी करके मुझे परेशान करना है, कुछ भी करके मम्मा को परेशान करना है किसी भी हद से। तो गाइस आपको पता है मैं परेशान नहीं करता, मम्मी मेरे को परेशान करती है उल्टा। आगे देख, मतलब काम करने के बाद जैसे मैं एकदम रेस्ट लूंगा ना 1 मिनट का, मम्मी आएगी फिर से काम पकड़ा देगी। मतलब क्या कर रहे अब, कितना अच्छा लग रहा है। देखो बकरी, तू भी पक गया क्या? ना चिकन खाने कुछ दिनों बाद चिकन भी खाएंगे। अभी चिकन खाएंगे, व्रत रखते हैं और चिकन खाएंगे तो कुछ दिनों बाद ना। अच्छा मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगा आप मत खाओ। मेरे को अच्छी नहीं है तो आप आगे सोचिए कि ये वो मेरा
अभी ना कुछ लोग खड़े थे तो मम्मी ने अपना फोन नीचे कर दिया क्योंकि उनकी शक्ल बेकार थी और मम्मी उनकी शक्ल पे जाके कि फोन चोरी ना कर दे ऐसा सोच रही है और कितना डिस्क्रिमिनेशन कर दे मम्मी। ये देखो ये है ये सोच कितने सालों पहले छोड़ दी थी हम लोगों ने, मम्मी की सोच अभी तक ऐसी ऐसी है। अच्छा अच्छा ये लोग ऐसी ऐसी ये लोग मुझे ना परेशान करना है किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। जैसे मैंने पहले कहा था परेशान बस मम्मी करती है, डीमोटिवेट मुझे करते रहते हैं। अभी तक जैसे अभी तक देखा होगा आपने कि मैं अभी खिड़की साफ कर रहा था और अभी देखो कहाँ करते काम। तो मैंने भी बहुत सारे काम किए। क्या किया ये तो मेरा कहना मान क्या किया। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं लड़ियाँ लेके, तो अब लगाएंगे हम दोनों लड़ियाँ घर पे। आ जा चल। हम दोनों नहीं मेरे को ही लगानी है। ये लगाएगा मैं भी हेल्प कर नहीं तो कुछ नहीं करती। हाँ बिना मेरे बोले तो कुछ होता ही नहीं, जब तक मैं नहीं बोलूँगी तब तक ये लोग कुछ नहीं कर रहे। लगे फिर से माला है, माला बनाने इस शैतान यहाँ पर बन रही है मालाएँ और हमने लगा दी ये वाली, अभी लगाएंगे हम ऊपर। पीतू क्या कर रही घर के अंदर? अब तो यही फैन लगेगी। देखो ये लड़ियाँ मुझे कह रहा दांत से काटो और वहां से बटन ऑन कर रहा बिजली का मेरे को, मतलब मुझे और पीयू के लिए ऐसा कह रहा कि मतलब ये पलक लगाएगा और स्विच ऑन काटा वहां स्विच ऑन कर रहा है वो, हम यहां से दांत से काट रहा और स्विच ऑन कर रहा है, मतलब कि कुल मिला के हमें करंट से मारेगा ये लड़का। तो फ्रेंड्स हम लोग लगा रहे हैं अभी लड़ियाँ, अभी दो बार तो ये शॉर्ट सर्किट हुआ ना, दो बार तो जो ये वाला है ये ग्रीन वाला ये शॉर्ट सर्किट हो गया और अब हम ये ग्रीन वाला इनके साथ चल रहा मम्मी, ये प्लग वालों के साथ से प्लग चल रहा, दो बार हमारी लाइटें खराब हो गई। और इस अंशु के पास जो एडजस्टर बोलते हैं, हाँ मल्टीप्लग, इस अंशु के पास है मल्टीप्लग, वो अपना ला नहीं रहा, करंट आ सकता है। मैं बता रही हूँ मैं फेंक दूंगी इसे, चल ही नहीं रहा। नीचे सो, नीचे सो। ओ दोस्तों अभी आ रखा है यहाँ पे डोडो रोटी खाने के लिए, ले डोडो। बाजी को देखा और भाग गया, देखा और ये उधर भाग गया। सही नहीं बिल्ली, दादी जो घर के अंदर जाने का प्लान था, देख लो उसकी तिरछी नजर। कहाँ जा रहा था तू? आए और नहीं जाएगा और ये पे करंट मत लगाना मत कर मत कर मत कर मत कर उसको परेशान। मैंने मतलब चार फूलों के बाद अब मैं लगा रही पत्ती, जबकि दो दो फूल के बाद लगा। तो क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है वो भी डीट बोल मत कर उसका गला मत घोट, ये मारेगा उसको, क्यों उसको परेशान करके रखा हुआ? नहीं मारता मेरे को, मार देती मैं तेरे को, मेरे को बता ना, नहीं मारता। पहले उसे टपका रहे तो दोस्तों हमारे घर पे भी लग चुकी है लड़ियां, कुछ कुछ लड़ियां खराब हो गई है यहाँ जैसे बीच बीच की, तो यहाँ के लिए कल लगानी पड़ेंगी वो एक्सचेंज करके, तो कुछ कुछ लड़ियाँ कल लगाएंगे और कुछ कुछ लग गई इस साइड बहुत कम है, तो इधर की लड़ियाँ वो ख़राब हो गई तो कल लाएंगे यहाँ के लिए। ये देखिए तो फिर से मत लगा उसके पीछे पिवता के बैठा। आरजी वाली अच्छी लग रही है। कौन सी? ये वाली ना, ये वैसी लग रही, ये बहुत वो ऐसी टाइप की लग रही। पीओ नहीं हुआ तेरा कंप्लीट? आज मैं लोगों ने इतना सेफली बना रखा है ना, कल तो कल वो बनाना है बहुत सारी रंगोलियां। हां ऊपर दो बनाने हैं यहां। तो फ्रेंड्स खाना पीना बन चुका है मेरा, तो अब खाते हैं खाना, मिलते हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।